सबसे बड़ी दुखी वो हमारी गौ माता है, बाकी दुनिया अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी आज वो गौ माता क्यों है सुनिएगा। हाँ, और चलते चलते ठोकर लगी एक हड्डी के, तो हड्डी के ये बयान थे, एक तरफ बियाबान और एक तरफ शमशान थे। ऐ चलने वाले जरा देख कर चल, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। वो गौ माता अपने हिंदू भाइयों से एक ही बात कहना चाहती है, ये रकटती पिटती गऊ देख के एक बात समझ में आई, होगी आज पराई या चढ़गी गौआ के गलड़ाई। क्यों ताई? हिर कटती पिटती ही गऊ देख के बात समझ में आई, होगी आज पराई या चढ़गी गवा के करड़ाई, होगी आज पराई या चढ़गी गवा की करड़ाई। हिर कटती पिटती ही गऊ देख एक बात समझ में आई, होगी आज पराई या चढ़गी गवा की करड़ाई, होगी आज पराई या चढ़गी गवा की करड़ाई। हो 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 श्रोताओं, कितनी अच्छी बात लिखी उस कवि ने कि कटती पिटती गऊ देख के एक बात समझ में आई, होगी आज पराई हो चटकी गौवा की कलड़ाई। बताया यारा कृष्ण जी का नाम ले प्रचार भी करे, घर में गऊ बंधन का विचार भी करे, लोग दिखावा माता कह के प्यार भी करे, वो खेता में लाठी जेड़ी के वार भी करे, और खेता में लाठी जेड़ी के वार भी करे, गौवा खतरे गौवा खतर दान की पुकार भी करे, ये भागा आले काटा दाने न्यार भी करे, वो माड़े मानस देने तय निकार भी करे, मारण खातर गंडा साके धार भी करे, अरे मारण खातर गंडा साके धार भी करे, ये मारण खातर गंडा साके धार भी करे, ये बुरी पड़ी जमाने पे हो, और बुरी पड़ी जमाने पे या यार कलयुग की परछाई, होगी आज पराई या चढ़गी गौआ की करड़ाई, यार कटती पिटती गऊ देख के बात समझ में आई, होगी आज पराई या चढ़गी गौआ की करड़ाई। श्रोताओं बताते हैं कलयुग सतयुग द्वापर युग और त्रेता युग, त्रेता युग में बताते हैं गौओं की जनसंख्या 125 करोड़ गऊ बताई जाती है और मात्र 16 करोड़ जनसंख्या इंसानों की बताई गई, लेकिन आज करोड़ों से ज्यादा संख्या इंसानों की हो गई, मात्र 16 करोड़ गऊ बच गई हमारे भारत देश के अंदर। वो गऊ कहाँ गई, वो चराने वाले कहाँ गए, वो जंगल कहाँ गए, बड़ी सोचने वाली बात है। बताते हैं उस कृष्ण भगवान की वह गौ माता के बारे में वखान क्या किसी ने कि कृष्ण जी का अवतार धार के, कृष्ण जी अवतार धार गौ चराया करते, और गौ के दूध ने अमृत समझ के खाया पिया करते। वो गौ माता श्रोता बताते हैं देवी देवताओं का जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम में राक्षसों और देवी देवताओं में जो समुद्र का मंथन हुआ उस टाइम ने जाने कितने जीव जंतु निकले थे समुद्र के अंदर से, उन्हीं में से एक गाय भी निकली थी, उस गाय का नाम था कामधेनु गाय, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया वो गाय थी कामधेनु।
जिससे पूरी दुनिया रची गई। वो जंगल कहाँ गए, वो पाली कहाँ गए, एक नंबर बताया। ये जंगल बिथे पाली बिथे मौज थी सारी, ये जंगल कट के पाली पड़ गए होगी लाचारी, वो कौन चरावे कितले जावे से मुश्किल भारी, अरे गौ ठिकाने छूटी हांडे गौ मारी मारी, अरे गौ ठिकाने छूटे हांडे गौ मारी मारी, अरे गौ ठिकाने छूटे हांडे गौ मारी मारी। ये दर्द की या दर्द की कहानी सुन लो दुनिया ते नारी, धीरे धीरे लोग हो गए फिर मांसाहारी, अरे भेड़ बकरी सूर गादड़ खान आले ने, अरे बेचण लागे हम गौवा ने बन के व्यापारी, अरे बेचण लागे हम ने बन के व्यापारी, अरे बेचण लागे हम ने बन के व्यापारी। श्रोताओं बड़ा दुख होता है जब सुनते हैं टीवी के अंदर माध्यम से, अखबार के माध्यम से, गौओं का सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात होता वह हमारे हिंदुस्तान से होता है, जिसमें हिंदू रहते हैं, उस माँ का अपमान कितना बड़ा करते हैं। बताते हैं पाप उसको नहीं ले जाता लगता जो काटते हैं गौ माता को, पाप ज़्यादा उसको भी नहीं ले लगता जो ले जाते हैं गौ माता को। सबसे बड़ा पाप का भागीदार वो इंसान है जिसने दूध पिया, इतने पिया, फिर लात मार के गऊ को या तो बेच देते हैं कसाइयों के हाथे या उस गऊ को निकाल देते हैं। सबसे बड़ा पाप का भागीदार वो इंसान होता है। कवि ने लिखा है कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, ये है श्री गीता का ज्ञान। बड़ी दुख की बात होती है, एक मिनट जी बाबू जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट की बात है। कैसे? और बेचण लागे हम गौवा ने बन के व्यापारी, अरे बेचण लागे हम गौवा ने बन के व्यापारी, बेचण लागे हम गौवा ने बन के व्यापारी। युर काटण खातर पकड़ा दी हो, काटने खातर पकड़ा दी करा वो बुला के न कसाई होगी आज पराई चढ़गी गौआ की कलड़ाई, फिर कटती पिटती गौ देख के बात समझ में आई होगी आज पराई चढ़गी गौआ की कलड़ाई। और हमारे इस भारत देश में बहुत बड़े बड़े दानी बैठे हैं, आज भी बैठे हैं और बहुत बड़े दानी हुए हैं। एक दानी हुआ था कौन, जाट समाज में, अर फुल जाट जैसा आज जाट भी हो रे, गोरक्षा में छोरे लाला लाट भी हो रे, दुनिया में धनमाया के धर राट भी हो रे, फिर देखो गौ गैल बारा बाट भी हो रे, फिर देखो गौ गैल बारा बाट भी हो रे, वो फिर देखो गौ गैल बारा बाट भी हो रे, गौशाला पे गौशाला पे मारने आड़े डाट भी हो रे, झूठ बोल के ले जा पत्ते जाट भी हो रे, आड़ ले धर्म की सातम सात भी हो रे, ये हाथा में आरे चाले कल डाट भी हो रे, अरे हाथा में आरे चाले कल डाट भी हो रे, अरे हाथा में आरे चाले कल डाट भी हो रे, हेरे गुप्ती फिर दलाल ख्याल भाई हो, गुप्ती फिर दलाल खाली और आटा की कर कमाई होगी आज पराई चढ़गी पूरी गौआ की कलड़ाई, कटती पिटती गौ देख के बात समझ में आई होगी आज पराई चढ़गी गौआ की कलड़ाई। ओ मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, ओ मेरे देश प्रेमियों और आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो लाल का छह मर तोड़ो, इसके पीछे मत दौड़ो तुम देश के वासी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। श्रोताओ हम इस धरती माता से अन्न उपजाते हैं और खाते हैं, यही भी हमारी माँ है। तीन प्रकार की माँ बताई गई, एक तो जननी माता जो हमें जन्म देती है, एक धरती माता जो हमें अन्न उपजाती है और हमारा पेट भरती है, और एक वो गौ माता।
लेकिन ताई आजकल तो चौथी भी हो रही वह भू माता। जय कह घर में जय दिन हूँ बड़े छे मने पचे छोरो न्यारो, छोरो चाहे सूरजगढ़ मंडी में गढ़ो, माँ चाहे 10 बार टेलीफोन करते रहे बेटा हूँ तो मेरे गोड्डे की दर्द की टूप ले आए बाप बात भूल जाए और मैडम को फोन आ जाओ शानो एक बोरो प्लस ले आयो बाप कौन भूल रहे मटो। यह सबसे बड़ो दर्जो है भू माता को दियो गए आजकल। लेकिन इस माँ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 50 रुपये योगेश जी शेखाओ जी जवानी सिंह की ठाणी से हमारे धर्म मित्र, 100 रुपये हमारे आदरणीय विजय भाई जनाऊ मिट्टी से भाई का तहे दिल से धन्यवाद, और 100 रुपये अमित भाई जी जनाऊ मिट्टी से इन सभी भाइयों का तहे दिल से बार बार जो गौ माता पे खुश होगी उन्होंने 100-100 रुपये का मान सम्मान दिया, और 50 रुपये हमारे आदरणीय बाबू जी जी बिल्कुल बिल्कुल बटे हो तो हूँ हम कह सक सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, और 500 रुपये संजय सैनी जी नानू वाली बावड़ी से सभी का बार बार धन्यवाद है श्रोताओं। लेकिन ये धरती माता एक बात और एक पुकार मांगती हिंदू भाइयों से, कैसे ये धरती माता करके हाहाकार रोवे से, तो खादर के हिंदू नारी नार रोवे से, गौवा की सेवा न जमींदार रोवे से, कोन्या प्रबंध करती या सरकार रोवे से, कोन्या प्रबंध करती या सरकार रोवे से, और सुन लो कितना गौ माता का बहार रोवे से, गोबर घेरा करते आज क्या रोवे से, चाले धोरिया की लार रोवे से, अरे लात मारी पीके न वो धार रोवे से, अरे लात मारी पीके न वो धार रोवे से, लात मारी पीके न वो धार रोवे से, आजाद सिंह खांडे आड़े की हो, आजाद आजाद सिंह खांडे आड़े या रोवे से कविताई होगी आज पराई चढ़गी गवा कंकरड़ाई। देखिए हरियाणा के बहुत ही अच्छे राइटर हुए आजाद सिंह जो कि बहुत ही अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी है, मैं चाहूंगा भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं, हमारे गुरु के समान है। उसने गाना भी लिखा था कौन सा, हिर पहले वाली हवा रही ना और पहले आड़ा पानी होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। बोल गौ माता की जय हो।